अलग कीर्ति मन रामायणम रामायणम भक्ति भरे है रामायणम रामायणम। भ्राता, सुग्रीव युद्ध हारकर नीचे गिरा हुआ है। उसे मारने हेतु बाली पत्थर लिए वहां खड़ा प्रतीत होता है। इस क्रूरता को देखकर भी आप इस प्रकार मौन होकर खड़े हैं। सुग्रीव तो हमारा शरणार्थी है ना भ्राता? मैं उसे भूला नहीं हूँ लक्ष्मण। मैं बाली के जीवन के अंत की संयम से प्रतीक्षा कर रहा हूँ लक्ष्मण। अब बाली चट्टान को उठाकर नहीं खड़ा है, वो अपने भाग्य को अंतिम बार उठाकर खड़ा है। अब देखो। दशरथ के पुत्र श्री राम है क्या? सच्चाई और पवित्रता का मूरत लोग जिनको भगवान बनाकर पूजते हैं, उन्होंने ही मेरे साथ ये किया है। सीता राम, राम कहाँ है आप, कहाँ है? आपको पूजने वाले इस हृदय को तोड़ दिया आपने। कहाँ है आप? एक तीर से मेरे प्राण ले लिए। राम कहाँ है आप? राम राम, ये क्या किया आपने? ये क्यों किया? राम कहाँ है तुम्हारा भगवान? बाली, इस तरह जो आए हैं आप कौन हैं? अभी तुम जिसे पुकार रहे थे, मैं वही राम हूँ। और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। अच्छा, शंभकासुर का वध करने वाले महाराज दशरथ के पुत्र हैं आप। राम, आपकी बात मैं क्या करूं? आपके पिताजी ने भी शंभकासुर को एक औरत के पीछे छुप के मारा था। और आपने एक पहाड़ के पीछे से छुप कर मुझ पर वार किया है। क्रोधित मत होना भाई, क्रोधित मत होना। सामने से वार करने की जगह मुझ पे छुप कर वार किया है आपने। मैंने ऐसा क्या पाप किया है? क्या त्रुटि हो गई मुझसे? ऐसी क्या त्रुटि हो गई मुझसे? क्या किया मैंने? आपके भ्राता क्या किया मैंने? सुग्रीव मेरी शरण में आए थे, हमने उन्हें समर्थन देने का
उन्हें वचन दिया है। अतएव मुझे आप पर वाण चलाना पड़ा। राम, आप महाराजा के ही पुत्र है ना? आपने राजनीति नियम सीखे नहीं है क्या? शग्रंथों के युद्ध के नीतियाँ क्या होती हैं जानते हो? भूल गई अब मैं तुम्हें याद दिलाऊं। शरंगत युद्ध में दोनों पक्षों की बात सुनकर उनके बीच एक समझौता करवाने का प्रयत्न करना चाहिए, पर ये नीति आप भूल चुके हैं, इसीलिए आप पहाड़ के पीछे से छुपकर मुझ पर वार किया है। भैया, समझौता कराने में अगर वो हमारा शत्रु बन गया तो अंततः हम क्या करें? तब भी युद्ध की घोषणा करने के बाद ही, उसके मरने के बाद ही आपको शस्त्र उठाना चाहिए। इन दोनों परिस्थितियों में आप क्या करोगे राम? आपने सुग्रीव से मित्रता की है, ये बात मुझे मेरी पत्नी तारा ने बताई। ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ था। मैंने उससे कहा था कि राम सच्चाई के मूर्त हैं, वो अपनी नीति को कभी नहीं तोड़ेंगे। इस बात को पूरे गर्व से कहते आया हूँ राम। तुमने मुझे नहीं मारा है, नीतियों पे जो मेरा विश्वास था तुमने उसे मार दिया है। उससे भरोसा उठ गया मेरा राम, उससे मेरा भरोसा उठ गया। बाली, आज तक जितने भले लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैंने उनका विश्वासघात कभी नहीं किया। अगर आप भी उन लोगों में से होते तो आपके पास अपना दूध भेजते, समझौता करने का आपको अवसर देते। परंतु आपने अपने भ्राता के राज्य पर अपना राज्य स्थापित कर सुग्रीव को अपने ही राज्य से बहुत दूर पहाड़ की गुफाओं में भेजकर उस पर अन्याय किया। किसने कहा है ये? किसने कहा? किष्किंधा का राजा मैं ही हूँ। सुग्रीव मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैंने उसको राजकुमार बनाया था। वो सब भूल कर मुझे पहाड़ों में भगाकर मुझे मारने का प्रयत्न किया और राजा भी बन गया, इसलिए मैंने भी उसे उन पहाड़ों में भगा दिया। बिना कुछ समझे आपने मुझ पर तीर चला दिया, ये न्याय नहीं है। वीर बाली के गौरव के नाम से जी रहा था मैं, मैंने कभी मात नहीं खाई, पर आपने मेरे साथ छल किया। नहीं तो वाली को मारने वाला आज तक धरती पर जन्म नहीं लिया, पर आपने इस महान बाली को, इस प्रतिभाशाली बाली को छल के साथ मार दिया आपने। ये आपने क्या किया राम? क्या यही न्याय है राम? क्या यही न्याय है? यदि आप प्रामाणिक होते बाली, तो मैं आपके समक्ष खड़ा होकर युद्ध करता। परंतु आपने आपके भ्राता को उसकी पत्नी से ही छीन कर उसके संसार को ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये कहानी पूरी तरह से झूठी है राम। पति की वजह से पत्नी को दुख ना पहुंचे, इसलिए उसे मैंने अपनी पत्नी की तरह ही अपने साथ ही रखा। तुम्हें सोचो, यदि मैंने उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया होता तो वो जीवित होते? ये अपनी पत्नी तारा मुझसे ऐसा कुछ करने देती? अब तुम्हें बताओ मैं क्या करता? मैंने क्या अन्याय किया? किसी दूसरे की पत्नी को शरण देना अन्याय है क्या? आप ही बताओ राम। यदि ऐसा है तो भले ही हम दोनों की माँ अलग थी, पर हम दोनों सगे भाई से बढ़ के थे। माना कि हम मानव जाति के नहीं हैं, परंतु संबंधों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम। सभी को ऐसा लगता है कि हमारे भीतर मानव जैसी भावनाएं नहीं है, परंतु स्त्रियों का सम्मान और उनकी पूजा हम भी करते हैं श्री राम। मानव जाति हमें कुछ भी समझे, लेकिन हम वानर किसी से कम नहीं है। मैं समझता हूँ बाली, परंतु आज तक आपने अपने राज्य में प्रजा के हित हेतु कभी कोई काम नहीं किया, ये सत्य है ना? ओह रघुकुल पुत्र, वो कहा जाता है ना कि जो देखा जाए और सुना जाए वो सब असत्य होता है, और जिस बात का अनुभव किया जाए तो केवल उसी बात को सत्य माना जाता है राम।
राम, हाथ में धनुष और हृदय में वीरता रख के तीर चला दिया आपने। चुप कर वार करना वीरता नहीं कहलाता। राम, इस मिट्टी के लिए पार्थिव शरीर का कोई भार भी नहीं होता है, ये वेदों में लिखा हुआ है। राम, मुझे एक बात जानने की इच्छा है। आपको जो राजगद्दी मिली थी, उसे अपने छोटे भाई भरत को देकर न्याय का पालन किया था ना आपने? और मेरे भाई को राजगद्दी दिलाने के लिए ऐसी भूल कर दिया आपने? आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी सीता को उस रावण का उठा कर ले जाना उसकी भूल थी, तो मेरे पीठ पीछे आपने वार किया तो ये भी तो भूल थी राम। ओ राघव, अगर किसी कारणवश मेरे से चूक हो गई थी तो राजमहल में राजा से दंड दिलवाना चाहिए था ना। बाली, मैं भी मानव जाति से ही हूँ और इस कारण मुझसे भूल तो हो ही सकती है ना। क्या राम, आप मानव? राम, विधि के विधान से पैदा होने वाला ही मानव होता है। विधि का विधान तो स्वयं भगवान ही कर सकता है, ये मत भूलो। मुझे लगता है कि तुमने ऐसे ही जन्म लिया है। राम, मुझे बताओ राम, मुझे जानना है राम आप कौन हो। राम बताओ मुझे, रामचंद्र मूर्ति आप कौन हो? बताओ मुझे कौन हो आप, बताओ मुझे, बताओ राम, रामचंद्र मूर्ति हो आप कौन हो? परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान, अत्युच्च शिव साधना करने वाले, हे बाली, हे शिव के भक्त, तुम ये जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? देखो, ये रहा मेरा मूल रूप। परमात्मा नारायण, ये मैं ही हूँ। भगवान, वैकुंठ निवासी प्रभु, प्रभु जनार्दन जगन्नाथ, भगवान लक्ष्मी नारायण, चित्रों से सुंदर दिखने वाले परमात्मा, आपने इस बाली को दर्शन दे दिया, यही मेरा भाग्य है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। हे भगवान, मुझे दर्शन देने वाले परमात्मा राम, एक मानव के रूप में आकर मेरे प्राण ले लिए तो मैं क्यों रोया? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं सबसे बड़ा भाग्यवान हूँ, मुझे भी यह शुभ भाग्य मिल गया। राम, मुझे मुक्ति दे दीजिए। प्रभु राम स्वयं मुझे लेने आए हैं। प्रभु राम, आप जल्दी से अपने साथ लेके जाइए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ राम। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। प्रभु मुझे अपने साथ ले चलिए। बाली, तुम्हारा जन्म मानव जाति में हुआ है ऐसा तुमने कहा था ना, इसी कारण तुम किसी और मानव की तरह ही मनुष्यों की भाषा में बात कर सकते हो। समझ सकता हूँ प्रभु, दुनिया की बुराई का विनाश करने आए हैं और मेरे अंदर की बुराई को पहचान कर उससे अपनी बुराई समझ के मुझ पापी का प्राण हर कर ले जाने आए हैं, ऐसा मैं समझ गया। मुझे आप स्वर्ग ले जाने आए हैं राम। राम स्वामी, स्वामी पिताश्री, प्रभु पिताश्री, क्या हो गया आपको? पिताश्री मुझे स्वामी, पिताश्री स्वामी, क्या हो गया आपको? पिताश्री स्वामी, मेरे पास देखिए, मेरी ओर देखिए पिताश्री। प्यारे अंगद, प्रसन्न रहो, जुग जुग जियो। स्वामी, पिताश्री, स्वामी, ये क्या हो गया?
पुत्र अंगद। स्वामी, प्रभु, पहाड़ों को वीरता सिखाने वाली की आज ये स्थिति हो गई। आप कैसे हार गए स्वामी? आपकी ये स्थिति हमसे देखी नहीं जाती। अरे रे, आप जा रहे थे तभी मैंने आपको रोकने का प्रयत्न किया। राम के धर्म पे विश्वास के साथ आए थे ना आप। रामचंद्र, ये आपने क्या कर दिया मेरे प्रभु के साथ? प्यार के दो पंछियों को अलग कर दिया। आप पत्नी सीता को बचाने के लिए मदद मांगते मांगते मेरे पति को मार दिया। अंगद। अरे रे। श्री राम को मत देखना, वो मुझे रास्ता दिखाने वाले अवतार पुरुष हैं। मेरी अभी तक की भूल का फल मुझे मिलने वाला है। यह मुझे ज्ञात हो चुका है, भली भांति ज्ञात हो चुका है। पिताश्री, पुत्र अंगद, भले ही मैं तुमसे अलग हो जाऊं, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देती रहेगी, आशीर्वाद देती रहेगी तुम्हें। भ्राता, भ्राता मुझे क्षमा कर दीजिए, भ्राता मुझे क्षमा कर दीजिए। सुग्रीव, मेरी विधि में ही लिखा है तो तुम क्या कर सकते हो? जो लिखा है वो हो के रहेगा सुग्रीव। ये लो इंद्र की इस माला को, अब तुम पहन लो, इसे पहन लो सुग्रीव। राम, सुग्रीव, तारा और अंगद को तुम्हें सौंप रहा हूँ, अब तुम्हें ही इनका ध्यान रखना होगा, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। अंगद बच्चा है परंतु वो भी वीर है, तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा सहयोग करेगा। सुग्रीव भी वीर है परंतु मूर्ख है, अगर उससे कोई भूल हो जाए तो ऐसा कुछ मत करना जैसा मेरे साथ किया है। राम, ये हनुमान है और तुम्हारा दूत बन सकता है, ये बात करना जानता है, तुम्हारे धनुष के बराबर है ये। राम, सुग्रीव, हनुमान, मेरे वानर सेना की मादा से जनकपुरी सीता माता को चुड़ा कर लेकर आना मेरे प्रभु के लिए। यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप कुछ भी करके सीता माता को लेकर आना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राम, 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 राम।
अलग कीर्ति माने रामायणम रामायणम भक्ति भरे है रामायणम।